वृंदावन का नाम आते ही हमारे मन में भगवान कृष्ण की लीलाएं सामने आ जाती हैं। श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहीं पर बिताया था और उनकी प्रेम कहानी भी यहीं वृंदावन से शुरू हुई थी। यूं तो भगवान कृष्ण के हजारों मंदिर आपको न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आनंद आपको मथुरा और वृंदावन में मिलेगा वो आपको शायद ही कहीं और मिल पाए। दोस्तों, अगर आप भी मथुरा और वृंदावन की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मथुरा वृंदावन आपको कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, सस्ती धर्मशालाएं कहाँ पर मिलेंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और टोटल खर्चा कितना आएगा। मथुरा वृंदावन से रिलेटेड आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप मथुरा पहुंचेंगे कैसे। इसमें मैंने जो सेंटर पॉइंट माना है वो दिल्ली को माना है, क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी सभी शहरों से काफी अच्छी है। तो अगर आप दिल्ली से मथुरा आते हैं तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बाई फ्लाइट, बाई रेल और बाई बस। दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो मथुरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको वहां से बस और टैक्सी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप मथुरा आ जाएंगे। अगर आप बाई रेल आना चाहते हैं तो मथुरा में दो रेलवे स्टेशन है, मथुरा जंक्शन और मथुरा कैंट। दोनों ही रेलवे स्टेशन देश के अलग अलग शहरों से काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आप बाई रेल यहां आ सकते हैं। अगर आप मथुरा बाई रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको मथुरा के लिए बहुत सारी बसेस, AC और non-AC बसेस मिल जाएंगी। मथुरा का जो बस स्टैंड है वो है भूतेश्वर बस स्टैंड, और बस आपको यहीं पर उतार देगी। मथुरा आने के बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों ही जगह से आपको रिक्शा, टैक्सी, तांगा, इन सब की सुविधा मिल जाएगी। मथुरा बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन मुख्य मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आप 25 से 30 रुपए में मंदिर तक पहुंच जाएंगे रिक्शा या टैक्सी के जरिए। दोस्तों, मथुरा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लेना होगा होटल या धर्मशाला। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर धर्मशाला लीजिएगा, क्योंकि धर्मशाला में सुविधा भी अच्छी मिलेगी आपको और साथ ही साथ यहां पर बहुत सस्ती धर्मशालाएं अवेलेबल हैं। जबकि होटल में भी सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन होटल थोड़ा महंगे पड़ेंगे। अगर बात करें होटल की तो मथुरा में होटल आपको 500 रुपए से लेकर 1,000, 1,500, 2,000 रुपए तक मिल जाएगा। वहीं अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो धर्मशाला की शुरुआत 200 रुपए से हो जाती है, जो 400, 500, 600 से 800 रुपए तक हो सकती है। खाने पीने की बात करें तो आपको 80 से 100 रुपए में यहां शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। बहुत सारे भोजनालय आपको मंदिर के आसपास देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मथुरा में होटल और खाने पीने की व्यवस्था देखने के बाद आप यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं, चलिए अब उसकी बात करते हैं। दोस्तों, मथुरा में आप जा सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि आप वहां जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, तो आप वहां पर आराम से 2-3 घंटे बिताइए। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां जाइए, आप समय बिताइए, वहां के पुजारियों से बातचीत कीजिए, वो आपको श्री कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और उस मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारी बता देंगे और आपको यहाँ काफ़ी अच्छा भी लगेगा। कृष्ण जन्मभूमि देखने के बाद आप मथुरा की लोकल मार्केट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, तस्वीरें, मिठाई, मक्खन और यहाँ गाय के दूध का बना पेड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप इसे जरूर टेस्ट कीजिएगा। मथुरा की लोकल मार्केट देखने के बाद दोस्तों आप जा सकते हैं शाम के समय द्वारिकाधीश मंदिर, जो पास में ही है। यहाँ पर शाम की आरती में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आप इसमें जरूर शामिल होइएगा। तो दोस्तों, ये था एक दिन का टूर प्लान मथुरा में। आप जिस दिन आएंगे उस दिन आप पूरा मथुरा घूम लेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे अपने होटल में। घूमने के बाद द्वारिकाधीश मंदिर से जब आप शाम को लौटेंगे तो आप अपने होटल में आएंगे या धर्मशाला में आएंगे, फिर आप अपना भोजन करके रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मथुरा से जाना है वृंदावन। दोस्तों, मथुरा से वृंदावन की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और आपको वहां जाने के लिए ऑटो, रिक्शा, तांगा, टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको 50 रुपए में मथुरा से वृंदावन पहुँचा देगा।
वृंदावन पहुंचने के बाद दोस्तों आपको वहां फिर से होटल और धर्मशाला देखनी पड़ेगी। तो वृंदावन में मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में भी आप धर्मशाला ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हैं, जिनमें से एक धर्मशाला मैं आपको बता देता हूं। वहां वृंदावन जब आप जाएंगे तो वहां पर एक धर्मशाला है नया रंग जी धर्मशाला, जो मथुरा से आपको वृंदावन जाते समय वृंदावन से 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। ये धर्मशाला बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ की बात करें तो इसकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया जगह पर है, जहाँ से आपको बाकी मंदिरों को विजिट करने में ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से लगभग सभी मंदिर आपको आसपास ही मिल जाएंगे इस धर्मशाला के। तो अगर मंदिरों की डिस्टेंस की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से श्री रंग जी धर्मशाला से आपको इस्कॉन टेम्पल की डिस्टेंस है 950 मीटर, प्रेम टेम्पल की डिस्टेंस है 700 मीटर, पागल बाबा मंदिर की डिस्टेंस है 1.8 किलोमीटर, बांके बिहारी टेम्पल की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, मदन मोहन टेम्पल की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, राधा रमन टेम्पल की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो सारे मंदिर आपको श्री रंग जी धर्मशाला के आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इस धर्मशाला के रेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2-बेडेड AC रूम 700 रुपये में, 2-बेडेड नॉन AC रूम 600 रुपये में, 3-बेडेड AC रूम 999 रुपये में, 3-बेडेड नॉन AC रूम आपको 750 रुपये में मिलेगा। और अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं तो 4 पर्सन के लिए नॉन AC डॉर्मेट्री यहां पर 600 रुपये में बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पर यहां पर आपको ठहरने को मिल जाएगा। यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से स्टे कर सकते हैं बहुत कम दामों में। दोस्तों इस धर्मशाला की अगर बात करें तो इस धर्मशाला की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, बुकिंग के लिए आपको ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा। जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर श्री रंग जी धर्मशाला जाइए, वहां पर काउंटर पर आपकी बुकिंग हो जाएगी। वृंदावन में अगर खाने पीने की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी बहुत सारे भोजनालय आपको मिल जाएंगे, जहां आपको 100 रुपये में थाली मिल जाएगी और आप बड़े आराम से खाना खा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया कि आप वृंदावन में होटल कौन सा लेंगे या धर्मशाला कौन सा लेंगे और खाने पीने की व्यवस्था की जानकारी। अब बात करते हैं कि वृंदावन में आप देखेंगे क्या और कहां कहां घूमने जाएंगे। दोस्तों वृंदावन में आप प्रेम मंदिर देखने जा सकते हैं। वृंदावन के मंदिरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है प्रेम मंदिर। ये मंदिर 154 एकड़ में फैला हुआ है और ये एक बहुत ही विशाल मंदिर है, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जन्माष्टमी के दिन तो इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और शाम के समय होने वाला फाउंटेन शो यहां की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों बहुत सारे पर्यटक और बहुत सारे भक्त वृंदावन में सिर्फ प्रेम मंदिर को ही देखने आते हैं, तो आप प्रेम मंदिर को देखने जरूर जाइएगा। और अगर आप पूरा प्रेम मंदिर घूमना चाहते हैं तो पूरा प्रेम मंदिर को देखने में ही आपका एक दिन लग जाएगा। प्रेम मंदिर के बाद आप वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर देख सकते हैं, जिसे प्राचीन गायक तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने बनवाया था। ये मंदिर राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिस पर शानदार नक्काशी की गई है। इसके अलावा दोस्तों आप यहां जा सकते हैं निधिवन मंदिर। निधिवन मंदिर भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीला स्थली है। निधिवन मंदिर के बाद दोस्तों आप जा सकते हैं मदन मोहन जी मंदिर, जो एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रामदास खत्री नाम के एक व्यापारी की सामान से भरी नाव यहाँ यमुना जी में फंस गई थी, जो मदन मोहन के दर्शन और प्रार्थना के बाद निकल गई थी। इसीलिए लोग अपनी मुश्किलों और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए निधिवन मंदिर जरूर जाते हैं। निधिवन मंदिर देखने के बाद आप जा सकते हैं केसी घाट। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना अधिकांश बचपन वृंदावन में ही बिताया था और इसी मान्यता के अनुसार केसी घाट पर ही भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी से लड़े थे और अपने मित्रों की उनसे रक्षा की थी। केसी घाट देखने के बाद दोस्तों आप जा सकते हैं वृंदावन कुंड। ये वही जगह है जहां वृंदा देवी रोज बैठकर राधा और कृष्ण द्वारा बिताए जाने वाले दिनों के बारे में विचार करती थी। यहां स्थित मंदिर में वृंदा देवी की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इन सब के अलावा आप यहां देखने जा सकते हैं पागल बाबा मंदिर। ये फूल के आकृति जैसा एक विशाल संगमरमर का मंदिर है, जो देखने में काफी सुंदर है। इन सब के बाद दोस्तों आप वृंदावन में कुसुम सरोवर देखने जा सकते हैं और आप यहां स्नान भी कर सकते हैं। वृंदावन में बहुत सारे सरोवर बने हुए हैं, जिनको देखने के लिए आप जा सकते हैं और सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। दोस्तों इन सब के बाद अगर आप चाहें तो आप गोवर्धन परिक्रमा करने जा सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा आप पैदल भी कर सकते हैं और आप उसके लिए ऑटो या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ऑटो वालों का चार्जेस अलग अलग होता है, वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है।
दोस्तों इसके बाद आप बरसाना जा सकते हैं जो कि राधा रानी का गांव है और बरसाना प्रसिद्ध है लठमार होली के लिए। लठमार होली यहां पर बहुत प्रसिद्ध है और होली के समय आपको यहां पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, तो आप यहां पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप नंदगांव जा सकते हैं जहां नंद बाबा और यशोदा मैया का घर भी आप देख सकते हैं और उनके पूरे गाँव को देख सकते हैं जिसे नंदगांव कहा जाता है। और अगर आप चाहें तो गोकुल जा सकते हैं जो कि वृंदावन से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके लिए आपको फिर से ऑटो या रिक्शा लेना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप पूरी कृष्ण जन्मभूमि या पूरा कृष्ण भगवान के पूरे साम्राज्य को देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक हफ्ते का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टोटल बजट आपका इस पूरी यात्रा में कितना होने वाला है। ये जो टूर प्लान मैंने बनाया है दोस्तों ये पूरे कृष्ण साम्राज्य का है, जहाँ पर आप एक दिन मथुरा में, 3 दिन वृंदावन में, 1 दिन बरसाना में, 1 दिन नंदगांव में और 1 दिन गोकुल में घूमने जाएंगे। तो दोस्तों 7 दिन का ये ओवरऑल टूर प्लान आपका बनेगा, जिसमें 7 दिन के लिए आपकी अगर खर्चे की बात करें तो धर्मशाला में रुकने के लिए आपका खर्चा हो जाएगा 1500 रुपये, खाने पीने का खर्चा आपका आएगा 2000 रुपये और टैक्सी रिक्शा और वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा आपका आएगा 1000 रुपये। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट को शामिल नहीं किया है जो आप दिल्ली से आएंगे। तो टोटल खर्चे की अगर बात करें तो दोस्तों आप 5000 रुपये में पूरी कृष्ण जन्मभूमि और पूरा कृष्ण साम्राज्य घूम लेंगे। तो दोस्तों ये थी मथुरा और वृंदावन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही यात्रा से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं।